अजहर की बात करें तो फिरदौस जमाल साहब कौन, फिरदौस जमाल साहब को नहीं जानता, हम सबकी बात भी करते हैं। अजहर की आपको पता, आपके वाले साहब जो है वो कोई स्टेटमेंट देते थे, हम देखते हैं हमजा के क्लेरिफिकेशन देते थे। मतलब मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैंने तो गिनती के चार ड्रामे या छह ड्रामे किए होंगे। द गाय हैज डन सो मच, ठीक है। तो और दूसरी, आप जानते हैं हम पठानों में जरा वो इज्जत का वो तो होता ही होता है, वो तो आप डिनाई वैसे ही नहीं कर सकते। और सो बीइंग अ सन, आई विल डू व्हाटएवर आई हैव टू डू, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एवरीथिंग। जो सोशल मीडिया पे जो चीजें चल रही होती है शेयर करते हैं आप? मैं अक्सर करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि ये हो रहा है, वो कहते हैं अच्छा हो रहा है तो ठीक है। तो मतलब और जब उनके स्टेटमेंट्स की रिएक्शन बताते हैं कि अब्बा जी जो आपने फलानी स्टेटमेंट दी थी अभी इमरान अशरफ की बारे में माहिरा खान की, तो देखिए हर किसी का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नैरेटिव है। बात यह है कि अगर इनको एक बात लगी इन्होंने कह दी, वैसे ही अगलों का भी होगा पॉइंट ऑफ व्यू, तो फिर ना अगर फिर बात बात सही है, बात समझ में आती है। अगर एक आर्टिस्ट है, उसने इंडस्ट्री के लिए 40 साल से काम किया, अगर उसको एक आर्टिस्ट समझ में नहीं आता, वो उसके बारे में ओपिनियन रखते, फिर बात समझ में आती है। दूसरी बात ये है कि अगर बात ये है कि आप हर चीज के बारे में ये सुनना चाहते हैं कि अच्छा चल रहा है, तो फिर तो शायद फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो इर्तिका का प्रोसेस है वो रुक जाता है। थिएटर के हवाले से आपसे पूछना चाहूंगा, आपकी स्ट्रेंथ है थिएटर सवाले से, पाकिस्तान बड़ा मुंतजर है कि आपने सवाले से कोई काम करें, क्या आपने उसको तो खैर बात नहीं कहा अब तक? यार मैंने तो वो शायद मुझे लिखना चाहिए था कि पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री खाली मुझे लिखना चाहिए था, मैंने लिखा नहीं, इसमें मेरी गलती है। बट लाइक यू नेवर नो, अभी तो बात यह है कि आई साइंड एन आयुष फिल्म, तो अभी तो मुझे उसके लिए जाके करना है थोड़ा बहुत काम, तो वो कर लेंगे तो उसके बाद देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा हमारे साथ मौजूद रहने का, हमें वक्त देने का। इट वाज रियली एन ऑनर कि आप यहाँ मौजूद थे। और